संक्रमण प्रदेशों में मध्य प्रदेश इस वक्त टॉप राज्यों में एक है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि गुजरात और मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इंदौर में मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह से कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस हो सकता है। इसी वायरस के कारण चीन के वुहान में लोग तेजी से मर गए थे और इसलिए गुजरात में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। दूसरी तरफ इंदौर में करीब 60 मौतें हुई हैं। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक जीसी जोशी ने यह भी बताया है कि हमने कोरोना की संरचना की डिकोडिंग की है जिसमें उसके 3 म्यूटेशन पाए गए हैं। तो कोरोना के एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन आखिर क्या है ये जरा समझिए। देश में कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन पता चले हैं, मतलब 3 तरह से ये जो है वायरस अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है और लोगों पर अटैक करता है। कोरोना के सबसे जो खतरनाक स्ट्रेन है उसमें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन है। वुहान जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है चीन में, वहाँ पर एल स्ट्रेन वायरस निकला था। एल स्ट्रेन वायरस से संक्रमित होने वाले मरीज की मौत बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक वायरस होता है। एस स्ट्रेन का वायरस एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से ही बना हुआ होता है। एस स्ट्रेन कम घातक होता है। दुबई से केरल आए मरीजों में भी एस स्ट्रेन वायरस था और इसकी पुष्टि हुई थी। तो आप ये समझिए कि अब वायरस को लेकर जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल रही हैं। इंदौर से हमारे साथ पीयूष पारे लगातार जुड़े हुए हैं, उनका बुक करते हैं। पीयूष, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर अब तक जो साइंटिस्ट हैं, जानकार हैं, उनका यही कहना रहा है कि इसको लेकर कोई एक पुख्ता स्टडी नहीं हो पा रही है क्योंकि ना तो इतना समय है, अभी सिर्फ वैक्सीनेशन पर ही काम हो रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे इसकी स्टडी आगे बढ़ रही है तो कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारा उसका नेचर, उसकी संरचना के बारे में पता चल रहा है और इसी कड़ी में जो स्ट्रेन है उसके बारे में भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इंदौर से जुड़ी इस स्ट्रेन की क्या खबर है, यह ज़रा बताएं मुझे। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से इंदौर में बड़ी तादाद में पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं उसके बाद में ना सिर्फ जिम्मेदारों बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर हम लोग बात की जाए तो बड़े रिसर्चर्स हैं, उन लोगों के सामने यही एक बड़ा सवाल था कि आखिर ये क्या वजह रही है कि इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस यहाँ पर सामने आए हैं। और इसी रिसर्च के दौरान ये बात पता चली कि भारत में फिलहाल एल और एस स्ट्रेन ये 2 स्टेज हैं जो कहीं ना कहीं घातक रूप से इंदौर में ही नहीं पूरे देश में कहर बरपा रही है। और इंदौर में भी यही वजह रही है कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यही एक ऐसा रूप था कोरोना वायरस का जिसकी वजह से इतना बड़े संख्या में यहाँ पर पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। रोमिता, दूसरी तरफ हम लोग बता दें कि एल और एस स्ट्रेन में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि दोनों ही खतरनाक होते हैं, लेकिन जिन लोगों को दूसरी बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर्स होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके शरीर पर जो एल स्ट्रेन होता है वो काफ़ी घातक साबित होता है। यानी कि ऐसे मरीजों को जो है वो यहाँ पर काफ़ी ये खतरा वायरस पहुँचा सकता है। और इंदौर में जो अब तक जाने गई हैं उसमें से अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनके दूसरी बीमारी से पीड़ित होने की जानकारी भी मिली है। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग बता दें कि MGM मेडिकल कॉलेज भी लगातार इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि क्या वजह रही है कि इंदौर में इतने पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। लिहाजा पूरे देश भर से अलग अलग सैंपल्स पुणे स्थित एक लैब में भेजे जा रहे हैं और वहां पर इस बात का रिसर्च किया जा रहा है कि ये आखिर संख्याएं क्यों बढ़ रही है और कौन सा ऐसा स्ट्रेन यहाँ पर था। इंदौर से भी यहाँ पर MGM मेडिकल कॉलेज ने ये सैंपल पुणे स्थित लैब भेजे हैं और वहाँ पर इसका पूरा रिसर्च होगा, उसके बाद में ही यह बात साफ हो पाएगी कि आखिर क्या वुहान जैसे शहर में जो है वो एल स्ट्रेन ने जो कहर बरपाया था वही वजह क्या ऐसे बड़े शहरों में और खासतौर पर इंदौर में भी नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी रिसर्च वाली बात है रोमिता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अब जैसे जैसे कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में अब कोरोना के स्ट्रेन के बारे में जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, दरअसल स्ट्रेन जो है वो यही वो अंदरूनी एक बनावट होती है किसी वायरस की जो उसकी ताकत या उसकी स्ट्रेंथ या उसके घातक स्वरूप को तय करती है। और जो कोरोना को लेकर अब तक स्टडी हुई है इसमें जिस तरह से ये अमेरिका में और दूसरे यूरोप के देशों में कोरोना ने कहर बरपाया है तो उसमें यही माना गया है कि इसके जो 3 कोरोना के स्ट्रेन हैं
उनमें जो सबसे घातक स्ट्रेन है वो एल स्ट्रेन है, एल फॉर लखनऊ। तो ये जो स्ट्रेन है इसी से सबसे ज्यादा डेथ हुई है, और भारत में ये माना जा रहा है कि गुजरात और इंदौर में, क्योंकि गुजरात में भी 150 से ज्यादा मौतें हुई हैं और इंदौर में भी 50 से अधिक मौतें हमने अब तक देखी हैं, और ये दोनों ही जगह जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि एल स्ट्रेन जो कोरोना का है वो यहाँ पर सामने आया है। एक और जो कोरोना का स्ट्रेन होता है वो एस स्ट्रेन होता है, एस फॉर साउथ, और ये जो स्ट्रेन है इसको लेकर केरल में ये माना गया कि जो मिडिल ईस्ट के देशों में नौकरी करने केरल के लोग गए थे वो जब वापस लौटे तो वो एस स्ट्रेन के साथ, यानी एस फॉर साउथ स्ट्रेन के साथ वापस लौटे, लेकिन एल स्ट्रेन की तुलना में एस स्ट्रेन कम घातक है, और यही वजह है कि केरल में आरंभिक चरण में काफी तेजी से संक्रमण के बाद भी वहां मृत्यु कम हुई है, लेकिन अमेरिका में एल स्ट्रेन का कहर है, और यही वजह है कि गुजरात के बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं और आना जाना होता रहता है। इसीलिए यह माना गया कि गुजरात में जो स्ट्रेन आया कोरोना का यात्रियों के जरिए वो एल स्ट्रेन था। इंदौर के कनेक्शन भी अमेरिका से बहुत गहरे हैं, और ये माना गया कि जनवरी से लेकर मार्च तक जो लोग अमेरिका से वापस लौटे हैं इंदौर, चाहे वो पढ़ाई के लिए गए हों या व्यापार या वहां रहने वाले हों, तो एल स्ट्रेन की वापसी इंदौर भी हुई और गुजरात भी हुई। रोमिता, बहुत अच्छी जानकारी शरद जी आपकी तरफ से दी गई है, क्योंकि कोरोना को लेकर अभी बहुत ज़्यादा लोग लक्षणों के अलावा कुछ जानते नहीं हैं इसकी संरचना को लेकर, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया कि किस तरह से इंदौर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है वहाँ पर किस तरह से कोरोना के स्ट्रेन्स का असर हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।